नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका पेपर इस बार किस तरह से होने वाला है। बोर्ड ने नया पैटर्न जारी किया था इस बार, क्योंकि कोविड के कारण आपकी काफ़ी हद तक पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो बोर्ड ने जो इस बार का आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी आसान किया है, ताकि बच्चे आसानी से पेपर कॉल कर सके और अच्छे अंक बोर्ड में प्राप्त कर सके। तो इस बार का जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे 45 मिनट का होगा। पहले आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता था। इस बार का जो पेपर है वो आपके थोड़ा समय कम कर दिया है इसमें, और प्रश्नों की संख्या भी कम कर दी है, और छोटे छोटे जो प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न वो इस बार ज़्यादा रखे गए हैं। पूर्णांक वह आपके 80 अंक का होगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे कि हिंदी का पेपर आपके किस तरह से होने वाला है। तो आप ये हिंदी का पेपर देख रहे हो, सबसे पहले खंड अ में आपके गद्यांश है, ठीक है। तो ये गद्यांश में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके अबसद में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप देख सकते हो। इन पेपरों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये पेपर उपलब्ध करवा दूँगा। तो ये आप हिंदी का पेपर देख रहे हो, ये पहला गद्यांश था, और ये देखो दूसरा है काव्यांश, ये भी आपके गद्यांश की तरह ही होते हैं। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इनमें सब में ऑब्जेक्ट टाइप आपके क्वेश्चन हैं, तो उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। तो इस तरह का आपका बिल्कुल इजी पेपर इस बार होने वाला है, तो ये आप देख सकते हो आसानी से इनका पेपर, आप इन पेपरों को इस बार कर पाओगे यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करी है। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप इनके अच्छे वीडियो देख सकते हो, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इन पेपरों के बाद मैं अपने द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर भी अपलोड करूंगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। इसके बाद देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक विषय में आपको इस प्रकार के रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन है रिक्त स्थानों के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप देख सकते हो इसमें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है देखो, उसमें 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि इस बार का जो पैटर्न है वो बहुत ही इजी है, अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो इस बार आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। खंड ब में देखो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। सभी विषय का आपको देखना है किस तरह का आपका पैटर्न है, देखो बहुत ही आसान कर दिया है इस बार। देखो यहाँ पर अथवा में भी आपके बहुत सारे प्रश्न, अब देखो खंड स में आपके व्याख्या करनी है, अथवा में आएंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न के अथवा में प्रश्न आएंगे, आपको इनकी व्याख्या करनी है आपको। ये देखिए इस प्रकार का पेपर आपके होने वाला है। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के बहुत सारे क्वेश्चन बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर ले। खंड द में आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और अथवा में आएगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है, अथवा में आएंगे आप क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो ये हिंदी का पेपर है आपके। 23 क्वेश्चन इस बार टोटल परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो हिंदी का पेपर ये कम्प्लीट थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके बाद और भी पेपर देखते हैं हम। इसके बाद आपकी अंग्रेजी का पेपर है, इसका पैटर्न भी आपके बिल्कुल आसान है, वही आपके 2.5-3 घंटे का पेपर होगा। सेक्शन ए में आपके वही पैसेज हैं, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है सब में, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो भी ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं वो भरने हैं आपको। सभी सब्जेक्ट हैं ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप, तो ये देख सकते हो आप। दूसरा भी आपके पैसेज हैं, मैं अपने द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर ही भी जल्द ही जारी करूँगा, तो आप इस वीडियो को देख से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बोर्ड परीक्षा की आप अच्छी तैयारी कर पाओ।
ग्रामर है, ये भी आप क्या देखिए ऑब्जेक्ट टाइप में है। इस बार आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी बढ़िया कर रखी है तो आप इस बार बेहतर नंबर लेके आओगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि पैटर्न बहुत ही आसान है। ये आपके इंग्लिश का पेपर है, इस तरह का पेपर होगा आपके। ये केवल प्रश्न पत्र हैं, इससे आप ये ना समझिएगा कि यही सवाल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में देखिए आप, दो दो नंबर के सवाल हैं, दो दो नंबर के प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और सेक्शन सी और डी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पर अथवा में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सेक्शन सी में प्रत्येक सवाल के अथवा में आ रहा है, तीन नंबर का है सेक्शन सी में, इसमें तीन क्वेश्चन है आपके। और सेक्शन डी में आपके चार चार अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए 23वां क्वेश्चन है सेक्शन डी में, 23, 24, ठीक है, और 25, ये तीन क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में, 23, 24 और 25, और वह भी अथवा में, प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगले सब्जेक्ट का पेपर देखते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए आपके साइंस का पेपर है, इस तरह का होगा, इसमें आपके ऑब्जेक्ट टाइप और रिक्त स्थान और अबअसदय बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। वही आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा, विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखिए खंड में आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप है पूरे के पूरे क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। 11 क्वेश्चन होंगे पहले क्वेश्चन में, तो 11 नंबर हैं आपके, ये आपके बहुत अच्छी बात है भाई, सॉरी 12 में, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो 5 नंबर का है ये, 6 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न जो 3 है उसमें आपके एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो छोटे क्वेश्चन इस बार बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। इसी पेपर को आधार मानते हुए आपको तैयारी करनी है, इसमें भी 12 क्वेश्चन है, टोटल 12 नंबर का है ये एक एक नंबर के। खंड जो ब हैं उसमें आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देखिएगा इस तरह का आपका पेपर होगा इस बार। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इस पेपर के बारे में जानकारी मिले। अब खंड स में आपके अथवा में आए, 3-3 पूछे जाएंगे इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में आएगा आपके, ठीक है, तो ये आपके हैं। और इसके बाद खंड द में आपके अंक के क्वेश्चन हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस बार विज्ञान में टोटल आपके 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, 23 प्रश्न आएंगे आपके। प्रत्येक सेक्शन डी में 4 अंक का है, तो ये विज्ञान का पेपर था आपके। अगले पेपर के बारे में देखते हैं, इसके बाद आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसका पैटर्न भी आपके विज्ञान की तरह रहने वाला है। सबसे पहले जो खंड अ है उसमें ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे 12 क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस बार आपके लिए। आप देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। सभी विषयों के मॉडल पेपर, प्री बोर्ड के पेपर भी मैं अपलोड करूँगा। प्रश्न नंबर 2 में देखो रिक्त स्थान है, इसके आपके टोटल 6 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के 6 नंबर हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपके देखो एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपके टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो तो 12 नंबर ये और ऑब्जेक्ट टाइप के, और 6 नंबर ये, 12 और 12, 24, 24 और 36 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न आपके इस पेपर में हैं, बात है। इसके बाद देखो खंड ब में आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस भी आपके बहुत बार कम सिलेबस हैं, और परीक्षा में भी आपके 20 से 25 दिनों की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो आप अच्छी तैयारी करके
अभी भी परीक्षा में 10 से 20 दिन आपके बचे हुए हैं, तो आप अच्छी तैयारी करते हो तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आपको मिलेंगे। देखो खंड स में आपके 3-3 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में आपके प्रश्न होगा, आते हैं कि अथवा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड द में आपके 4 अंक का है प्रत्येक क्वेश्चन, यहाँ पर भी प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में प्रश्न है, ठीक है। और ये आपके मानचित्र पूछा जाएगा 23वें क्वेश्चन में, तो आप तैयार करें मानचित्र को। कोशिश करूँगा मैं मानचित्र का वीडियो भी अपलोड करने की, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर था। अब देखिए आपके गणित का जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, और ये अपना फेवरेट सब्जेक्ट है गणित, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी प्रश्नावलियों का, वहाँ से आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। गणित का जो पेपर है वो भी आपके 2 घंटे 45 मिनट का होगा, पूर्णांक तो वही 80 अंकों का होने वाला है। अब देखो इसमें भी खंड अ में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबरों के, ये बहुत अच्छी बात है इस बार आपके लिए, और बहुत आसान सा पेपर होगा गणित का। तो ये आप देख सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप में 12 क्वेश्चन है आप देखिएगा गणित में। और इसके बाद आपके रिक्त स्थान भी आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आप प्रश्नावली 14, 15 और 11 को अच्छी तरह से तैयार कर ले, ये बहुत ही ज़्यादा अंकों की है और बहुत आसान भी है। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपके वही रिक्त स्थान है, इसमें भी सभी पेपर का पैटर्न एक जैसा है, 6 रिक्त स्थान होंगे इसमें, ये देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पेपर का, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बाघ जो है ना, बाघ ब है, ये क्वेश्चन है बाघ का, उसमें भी आपसे 12 क्वेश्चन एक एक अंकों के पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार पेपर होगा ये आप देख सकते हो, मॉडल पेपर इसके मैं जल्दी जारी करूँगा, जल्दी ही आपके सामने इसके मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी आ जाएगी। अब देखो भाग ब में आपके 2-2 अंकों के क्वेश्चन हैं, तो वो इस प्रकार से हैं, 2-2 नंबरों के क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, बिल्कुल इजी पेपर आने वाला है इस बार आपका, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। भाग स है, सी वाला जो पार्ट है, उसमें 3-3 नंबरों के प्रश्न हैं और प्रत्येक सवाल का के अथवा में भी सवाल हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो आपको आता है वो आप बोर्ड परीक्षा में कीजिएगा, आप देख सकते हो भाग स। इसके बाद भाग द में ऑप्शन आपके 4 अंक का है, इसमें आप ग्राफ को अच्छी तरह से तैयार कर ले, एक ग्राफ आपके पिक्स आएगा। अथवा में भी देखो प्रत्येक सवाल के अथवा में है, और 4 नंबर का आपके रचना वाली प्रश्नावली से है, सांख्यिकी से आएगा, माध्यक या बहुलक, तो ये आपके गणित का मॉडल पेपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगला पेपर देखते हैं, ये आपके संस्कृत का पेपर है जो आपसे देख सकते हो। खंड अ में वही आपके 12 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न बहुत आसान है, बस तैयारी आपकी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में आपके वही 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, प्रश्न संख्या 3 में आपके जो गद्यांश हैं, और गद्यांश में देखिए आप इस तरह का होगा ये गद्यांश, संस्कृत का पेपर है आपके। खंड स प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, कोशिश ये करेंगे कि आपकी अच्छी तैयारी हो। खंड द में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो आप देख सकते हो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
बच्चों, ये आपके सभी विषयों के मॉडल पेपर थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।